अगर आप मुश्किल के, तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ हाँ ये मुश्किल ज़रूर था कि मैं इस एज ग्रुप को लेके जा रहा था शूट के लिए नेपाल और उस हाइट्स पे, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 13,000 फीट पे, वो भी कोविड के टाइम पे लेके जाना, और वो मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं और मुझे ट्रस्ट में लेके जाऊंगा। सूरज बजरातिया, अ नेम दैट वी ऑल हैव ग्रोन अप विद, फ्रॉम मैंने प्यार किया टू विवाह टू हम आपके हैं कौन एंड प्रेम रतनधन पायो एंड नाउ वी हैव ऊंचाई। टुडे Midi.com इज टॉकिंग टू सूरज बजरातिया हिमसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हम आपसे बात करें, क्योंकि आपकी फिल्मों ने हमें एंटरटेन किया है, ऑफ कोर्स हमारी शादियां महंगी करवा दी आपने। हम देख रहे हैं कि आप सुबह से इंटरव्यूज दे रहे हैं बहुत सारे, और आपको बहुत सारे सवाल किए गए होंगे, शायद कुछ रेपिटेटिव भी होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कहना चाहते हैं जो शायद आप तक अभी, आपको अभी तक किसी ने पूछी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन की बात करें। अपने मन की बात सब बोल ही चुका हूँ, बट अगर इस समय जो मुझे जो कहना चाहूँगा मैं ऑडियंस को, ऑनेस्टली इफ आई टेल यू दैट इज़ दैट ऊँचाई जो फिल्म है उसमें ये जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप को हम लोगों ने बड़ा हसमुख, हैप्पी और करेजियस एंड गो गेटिंग के रूप में दिखाया है। और मेरा एक पर्सनल एक बहुत है कि जो पैंडेमिक में इतना हम सब ने किया, कि हम में से कोई भी ना उस एज ग्रुप को कभी कोई चीज़ करने से रोके नहीं। मतलब कई जगह मैंने भी अपने फादर को, अब तो नहीं रहे, मुझे याद है नया फ़ोन आया तो मैंने कहा मैं ही कर देता हूँ, उन्होंने फ़ोन लिया, सीखने की कोशिश हो रही तो मैं कर देता हूँ ना, फटाफट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ना ये कभी इस ये फिल्म देखें, बड़े तो देखें, बच्चे लेके प्लीज़ लेके जाए अपनी मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को, बट कभी उन्हें कोई करना चाहे ना तो रोक के नहीं ये सोच कर की उम्र, क्योंकि वो बहुत दुखता है और ये नहीं होना चाहिए। सबको अपना अपना टाइम टेबल, कितनी भी उम्र हो, 80 हो, 90 हो, अपना टाइम टेबल रूटीन अपना होना चाहिए। किसी बच्चे पे, किसी यंगस्टर के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए टाइम टेबल। बच्चे हो गए, उनकी अपनी ज़िंदगी, हमारी अपनी। ये बहुत एक मैसेज जो मैंने आज किसी को बोला नहीं है, वो मैं चाह रहा हूँ कि ये कन्वे हो। हाउ ब्यूटिफुल, मतलब आप जब बता रहे थे मुझे याद आ रहा था कि मैंने मेरे पिताजी के लिए फ़ोन लिया था और वो मुझे सुबह उठाते थे कि मुझे SMS कैसे करना है, मुझे दिखाओ। हम झुंझला जाते हैं। मैं शांति से, बिकॉज आई रिमेम्बर फॉर मी इट वॉज लाइक, मैंने उनको पूछा था कि अब मेरी सैलरी बढ़ी है मैं क्या दूँ आपके लिए, उन्होंने बोला मुझे फ़ोन चाहिए। आप अच्छी डॉटर हैं। ये आपने कितनी सेंसिटिव बात कही, और आपकी जो फिल्में हैं, यू नो ऑफ कोर्स सी वी हैव टू, आई मीन एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर वी हैव टू एंटरटेन टू द सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंसेस, समटाइम्स वी गो ओवर द टॉप, समटाइम्स वी डू थिंग्स जो शायद वी आर नॉट कम्प्लीटली कन्विंस, बट वी नो द सेलिब्रिटी है, कर देते हैं। लेकिन आपकी फिल्मों में जिस तरह परिवार दिखाया गया है, और बीइंग अ राइटर मैं ऐसा मानती हूँ कि हम वही कहानियाँ कहते हैं जो हमने देखी हैं, आप मुझे बताइए अपने घर की, अपने परिवार की वो बातें या ऐसी कोई कहानी जो हमने आपकी फिल्मों में देखी है लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कहीं आपने अपने घर में बचपन में देखा होगा या किसी कज़न की शादी में देखा होगा, कुछ वी वुड लाइक टू नो। मैम, हर चीज़ जो मैंने बनाई है वो हर चीज़ कहीं ना कहीं से मैंने देखी है, बिकॉज मेरे जो परवरिश हुई है वो एक जॉइंट फैमिली में हुई है, मारवाड़ी परिवार में हुई है। प्लस या माइनस कभी कोई ऐसी हादसा नहीं देखा कि हमको हमारी जो मन चाहे चीज़ें नहीं मिली हो। गाड़ी शुरू से मामियों के साथ, बुआओं के साथ पले बड़े, तो हम बिगड़े भी हुए प्लस, बट वो आगोश की वैल्यू भी हमें समझ में आई है। तो आपने एग्जांपल पूछ रहे, तो एग्जांपल तो बहुत हैं, अगर मैं शुरू करूंगा तो एक या दो एग्जांपल बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप वो कहानी बताएंगे तो लोग वो फिल्म के साथ रिलेट करके एक हंसी उनके चेहरे पे भी आ जाएगी। नहीं, बहुत कहानियां मैम, जैसे अगर आप मुझसे पूछे तो हम आपके कौन का हम चूज कर रहे थे कि माधुरी को अपनी बहन की गोद भराई के लिए आना है तो क्या गाना चाहिए। तो अब मुझे समझ भी नहीं था कि गाना
क्या करें, क्या कंसीव करें गाना, क्योंकि आप सीधा रोमांटिक करोगे तो गोद भराई के फंक्शन में कोई रोमांटिक था, भाभी के गाना करो, पर भाभी के साथ साथ मेरा तो सलमान का भी चाहिए, तो रोमांस भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो मुझे करीब 6-7 महीने लग गए, स्क्रिप्ट रुक गई और गाना सिचुएशन क्या, क्योंकि गाना सिचुएशन चाहिए, क्या कहना चाह रहे हो। तो मुझे याद है मैं गया था दिल्ली लाजपत मार्केट, तो वहाँ से पहले ऑडियो कैसे, तो मैं इतने सारे पंजाबी गाने लेके आया, फिर मैं बम्बई आया तो मेरे असिस्टेंट था, मैंने वो टेप रिकॉर्डर था, मैंने कहा ये सुन के मुझे बताओ ये इस फंक्शन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या रहा है कुछ इससे आइडिया मिला आइडिया। तो मैंने एक गाना मुझे अभी भी याद है, उसमें आया मतलब भाभी तेरा देवर मेरे को छेड़ता है, और उसमें वर्ड आए मुल्तानी मिट्टी, ये मिट्टी, अब मुझे मालूम नहीं मुल्तानी मिट्टी वगैरह क्या होता है। फिर मैंने पूछा तो पता चला दिस इज गिवन ऐसा होता है, पर भाभी तेरा देवर मेरे को छेड़ता है, तो यहाँ से मुझे एक मिला। फिर मुझे लगा मैं पिक्चराइज कैसे करूँ इसको, तो डांस होगा माधुरी का किधर। फिर मैं कभी जयपुर गया तो मेरी बुआ जी रहती है, तो मुझे बोला देखो सूरज जी हमारे दिवाली पंजाबी फैमिली है उनके दिवाली का फंक्शन देखो, तो उसमें देखा मैंने देखा एक लड़की जो है वो ऐसे नकली पेट लगा के अट्ठा लगे कुछ होकर अट्ठा लगे तो वो एक्टिंग करे, तो देन ऐसे जुड़ती जुड़ा और फिर ये दीदी तेरा देवर। तो ऐसे देखते देखते 6-7 महीने लगे। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर मैया यशोदा, जो मैया यशोदा का सिचुएशन था, तो अब वहाँ पे सभ्यता आ गई, वहाँ मैं ऐसी छेड़खानी नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ तो होने वाली सास है, तो सास के सामने कैसे कैसे कहें। तो फिर मैं फिर फंस गया कि फिर एक शादी में मैंने देखा कि घूंघट में दो दुल्हन है, वो अपनी सास को कंप्लेन कर रही है कि योर सन टीजेज मी इस होल टाइम, लाउड था वो थोड़ा। फिर मैंने कहा ये बात सही है, तो मैया यशोदा को ये, बट सास को बोले, मैं सास को कैसे सभ्यता में रह कर करना है। तो फिर मेरे लिरिक राइटर ने उस सिचुएशन को यशोदा कृष्ण का रूप दिया, तो फिर वो मैया यशोदा तेरा कन्हैया। नहीं तो उस शादी में उस बहू ने तो सीधा बोला था सास तंग करता है, पर मैं नहीं करता क्योंकि मुझे सभ्यता में रहनी है। जी जी जी। तो फिर ऐसे ऐसे जिंदगी के ऐसे कितने कितने पहलुओं पर ये दो। हम ऊंचाई की बात करते हैं, हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कर रहे थे तब यू हैड सेड दैट ये ऐसी पहली फिल्म है जिसका सेटअप शादी या फैमिली या ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली बिजनेस की बात नहीं है। दोस्ती आपके लिए क्या मायने रखती है? Because you are a family man. मतलब you know when we think of an ideal family, हम जोक में भी यही बोलते कि यार तुम लोग बहुत हम साथ चलेंगे, क्या होता है? So you know you have created a brand when it comes to family, but what does friendship mean to you? But ma'am आप देखो ये दो family में भी दोस्तों की कितनी importance है। आज आप कहीं भी जाओ तो आपको देखेंगे कितने family में, आप कोई function में जाओ, सगाई में जाओ तो आप देखेंगे दोस्त आते हैं तो जो बोलते नहीं ये मेरे भाई जैसा है, ये मेरे, क्योंकि ये सब फैमिली मेंबर। जो आप छोटे शहरों में जाओ तो शादियों में ज़्यादा दोस्त लोग ही तो काम करते हैं। हाँ, तो ये कोई चाचा जी है, पता चला कौन से चाचा जी नहीं, चाचा ही हो गए, ताया जी, ताचा जी। तो ये तो ये हमारी सभ्यता का पार्ट है फैमिली का, फ्रेंडशिप का। बट ऊँचाई में भी ऐसा ही, बट ऊँचाई में ये चार हैं दोस्त, ये फैमिली हैं, 50 साल से मिल रहे हैं। एक की अगर एक की वाइफ है वो दूसरे को भाई बोल रही है, क्या बोल रही है पता ही नहीं, क्योंकि 50 साल से निकल रहे हैं, एक दूसरे को इतने क्लोज से जानते हैं एक दूसरे के। अब नीना जी का जो कैरेक्टर है बड़ी हॉटी सी है, अब उनको खुश करने में लगे रहते हैं बाकी तीन दोस्त, क्योंकि एक भाभी है, अब उनको खुश कैसे किया जाए। तो जो बोमन जी हस्बैंड वो किसी तरह बोलते रहते खुश कैसे करो अब तुम्हारा जिम्मा, क्यों मैं कुछ बोल दूँ ये तो फैल जाती है। तो ये जो जिंदगी की चीजें हैं तो वो ही सब ऊंचाई में है। बट फॉर यू एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, सूरज प्रजातिया जी के लिए दोस्ती क्या है, आपके लिए दोस्ती क्या है? मेरे लिए तो दोस्ती इज नॉन जजमेंटल, सबसे बड़ी चीज वही है, नॉन जज, क्योंकि वही एक रिश्ता है जहाँ पे आप जज नहीं करते। आप डांट दो दोस्त को, सब बोल दो, पर आप कभी जज नहीं, कभी ये नहीं बोलेंगे तू बुरा है या तूने बुरी बात करी, तो बोले तेरी बात बुरी है पर तू बुरा नहीं है। ये आई थिंक दैट यू स्टैंड बाय योर फ्रेंड एज यू से।
और ऊंचाई फिल्म की जो मेकिंग है, जो पूरा प्रोडक्शन हुआ, यू नो यू हैव वर्क विद दीज स्टॉलवर्ट्स एंड वर्किंग विद अमिताभ जी, कौन सी चीज़ें बहुत मुश्किल थी और कौन सी चीज़ें बहुत आसान थी? अब बहुत आसान मैं पहले कहूँ तो ये स्टारकास्ट के साथ काम करना आसान ये था कि एक बार आप सबको ले आए तो आधा एक घंटे में सीन कंप्लीट हो जाता था, बिकॉज इतने मंझे हुए एक्टर्स हैं, आपके सीन रेडी है, सब स्टेज एक्टर्स, सब इतने फिल्म एक्टर्स, सबको बाय हार्ट करके आते थे, तो तीन तीन चार चार पेज का सीन हम लोगों ने कई कई बार ऐसा हुआ कि 9 से 6 की शिफ्ट रखी है, 12, 11:30, 12 बजे पैकअप, क्योंकि एक आए एक टेक में ओके। तो इसलिए मैंने नॉर्मली 150-150 दिन लेता हूँ मैं एक फिल्म बनाने में, तो फास्ट 80 डेज में आने विद ऑल आउटडोर्स नेपाल एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दिस। और अगर आप मुश्किल के तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ हाँ ये मुश्किल ज़रूर था कि मैं इस एज ग्रुप को लेके जा रहा था शूट के लिए नेपाल और उस हाइट्स पे, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 13,000 फीट पे, वो भी कोविड के टाइम पे लेके जाना, और वो मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं और मुझे ट्रस्ट में लेके जाऊंगा, तो वो एक बहुत मुश्किल थी। बट हम लोगों ने पहले टीम को भेजा राइटर्स को ट्रैक पे, फिर मैं खुद गया टेक्नीशियंस को लेकर के कि क्या क्या, क्योंकि जब तक मैं नहीं करूँ मैं कैसे ले जाऊँ। फिर हम लोग एक्टर्स के पास आए, फिर बहुत बेबी स्टेप लेकर के एक्लिमेटाइज करके सबको लेके गए जहाँ तक शूट किया हम लोगों ने, 300-400 का यूनिट था, बीच में लैंडस्लाइड आए, बारिश आए। बट हमेशा अगर मुश्किल रही तो ये है कि कहीं किसी को सब कुछ हो ना जाए, क्योंकि इस हाइट पे एक चिंता बस आई थिंक, और बाकी कोई मुश्किल नहीं कहीं। और एक एक जनरेशन ऐसी होगी जिसके लिए शायद ऊंचाई एक फ्रेंडशिप फिल्म का माइलस्टोन होगा, किसी के लिए कुछ कुछ होता है होगा, किसी के लिए कोई और, किसी के लिए यारा ना होगी। आपके लिए ऐसी कौन सी फिल्में हैं जिनको देखकर आपको लगा कि दोस्ती तो क्या दिखाई गई है इस फिल्म में? अच्छा, ऐसी फिल्में आपको याद हैं जो आपने वाइल्ड ग्रोइंग अप देखी हैं? जब हम छोटे थे तो शोले का सबसे पहले, अगर दोस्ती का कोई प्रभाव था तो मेरे लिए दोस्ती का। और फिर आप मैं फिर दोस्ती शोले तो खैर है ही, उसके बाद थोड़ा आगे चलूँ तो फिर एक दिल चाहता है अलग एक था सिंबल दोस्ती का, और फिर मैं थ्री इडियट्स, दीज आर द थ्री स्टोरीज। और ऐसा कोई पर्टिकुलर एपिसोड हुआ व्हाइल वर्किंग ऑन द फिल्म एंड व्हाइल यू नो वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट व्हिच स्टेड विथ यू? बिकॉज क्या होता है ना, हमारा ही काम होता है, हम उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कई बार हम हमारे काम से थोड़े दूर जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कमाल है यार, या तो इट मूव्स अस, इट्स नॉट अबाउट प्रेजिंग योर सेल्फ बट यू ऑल्सो फील अमेज्ड एट वॉट यू हैव क्रिएटेड। ऐसा कोई मोमेंट, ऐसी कोई बात इफ़ यू कैन शेयर? काफ़ी स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ था जी, मतलब अगर आप देखा जाए तो ये एक वो कहानी है मेरी 7 फिल्मों में जिसकी स्टोरी सबसे क्लियर है, एक दोस्तों के लिए उनको चढ़ना है और साथ में जिंदगी की भी थोड़ी थोड़ी चढ़ाई करते हुए जाना। सो मेरी कहानी बहुत क्लियर थी, तो नॉर्मली मैं 1-2 साल रहता हूँ स्क्रिप्ट लिखने में, ये 4-5 महीने में स्क्रिप्ट बन गई। मेरे साथ अभिषेक दीक्षित ने भी लिखी कहानी और हमने जूम पे लिखी, कोविड के टाइम पे जूम पे लिखी, बट एक के बाद एक ताता जुड़ता गया, क्योंकि मेरे पास बंदिश नहीं थी कि मुझे ये बेचनी है या इतना डांसर चाहिए या कोई आइटम चाहिए कुछ ये चाहिए, मैं सिर्फ स्टोरी पे लिखता गया। और जैसे कहानी बनी, ये गाने बने और सजती गई स्क्रिप्ट। बट अगर आप मुझे पूछे कोई एक चीज़ जो रह गई मतलब दिल में, आपके दिल के पास, शूटिंग के करीब, तो एक सीन है बच्चन सर का और अनुपम जी का जो हम लोगों ने दिल्ली में यमुना घाट पे शूट किया है, और उस सीन में जो कैरेक्टर है अनुपम जी का वो ये है कि उन्हें चेंज बर्दाश्त नहीं होता, वो वहीं अडिग हैं। तो एक पॉइंट आता है उनकी लाइफ में, वो वहाँ बैठे हैं और अमित जी दोस्त उनके पास आते हैं और वो पूछते हैं कि सब कुछ क्यों बदल जाता है, सब कुछ स्थिर क्यों नहीं रह सकता, उस पर अटके हैं। अब अमित जी कुछ बोल रहे हैं तो बोले ज्ञान नहीं देना मेरे को,
और नदी के सामने खड़े होकर ये सवाल जहाँ पानी बह रहा है कंटिन्यूसली। तो फिर वहाँ पे एक सीन था जिसमें अमित जी मुस्कुराते हैं और फिर जो ट्रेलर में भी गाना है फिर रेडियो पे वो उस पर ये जीवन है शुरू करते हैं गाना, ये जीवन है। तो फिर वो जब गाना गाते हो ये बहुत गुस्सा होता है क्योंकि डैनी जी का फेवरेट गाना जो बोले फिर उसका गाना हो तो फेंक दूंगा नदी में। फिर अंतरा जब आता है ना तो वो अनुपम जी ने बहुत इमोशनल किया, फिर जिस किस्म से अमित जी ने उन्हें गले से लगाया और होल्ड किया जैसे बच्चे की तरह होल्ड करके, और वो जो वाइड शॉट करके दोनों बैठे हैं और नीचे बच्चे जैसे आपने कहा नदी में नया जनरेशन डूब रहा है खेल रहा है और संध्या का समय हो गया है, तो वो चीज़ बहुत रह गई मेरे ने अनुपम जी के दिन में। नेक्स्ट डे बोले कि सूरज मैं तो वहीं बैठा रह गया, शूट खत्म हो गया वहीं बैठा रह गया ओम शर्मा। तो कई ऐसी चीज़ें रह जाती हैं तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो मुझे खुशी भी होती कि कैसे अगर क्योंकि ऐसे मौके पे अगर किसी को बोले कर्मा है आपके अच्छे वो सब ज्ञान समझ में नहीं आता तो उस समय आता कि ये है जो है यू हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि ये ना सोचो इसमें हार है कि जीत है। और दैट सॉन्ग इज सो सो डीप सो डीप। सो आजकल तो बहुत कंटेंट आता है OTT पे भी और साउथ की फिल्में भी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस। ऐसा क्या है जो आप देखते हैं, आप बिंज वॉच करते हैं, क्योंकि आपकी फिल्में 25 बार देखने वाले लोगों को तो मैं मिली हूँ, बट वॉट आर यू नो वॉट आर द थिंग्स दैट यू हैव वॉच्ड मे बी मोर देन वंस और आपने कुछ बिंज वॉच किया हो? नहीं ऐसी कई हैं मैम, जैसे जिस किस्म की पिक्चर मैं बनाता हूँ ना तो उस समय मैं मैक्सिमम उस किस्म की पिक्चर देखता हूँ। जैसे अभी प्रेम रतन धन पाए मैंने बनाई तो गॉडफादर कंटिन्यूस देखी मैंने 1, 2, 3 बिकॉज जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं बिकॉज कई बार बनाते समय ऐसी लगती कि नहीं अच्छी चीज़ नहीं है कुछ तो फिर आप या कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिला फिर आप जो उसी पिक्चर के आसपास के स्ट्रक्चर देखते हो तो वहाँ से आपको ऊर्जा एक अलग मिलती जी, कि नहीं ऐसी पर्सपेक्टिव मिलता है जी। तो जैसे अभी ऊंचाई में अगर आपने बिंज वॉच कहा तो सिर्फ मैंने कितने तो ट्रैक के वीडियोस देखे हैं, कितनी क्लाइंब की पिक्चरें देखी बिकॉज आप वहाँ देखते हो तो आपको एक और पहलू मिलता है, एक और नज़रिया मिलता है, एक और देखने का पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, एक म्यूज़िक का एरिया मिलता है वहाँ नेपाली क्या म्यूज़िक। तो ऐसे ऊंचाई में मेरा ये रहा बट हर पिक्चर में मैंने प्यार के टाइम बॉबी तो कितनी बार देखी मैंने क्योंकि उस समय बॉबी का था। अगर आप हम आपके कॉल के दौरान देखें तो म्यूजिकल्स क्योंकि म्यूजिकल थी तो सब म्यूजिकल्स मैंने देखे राइट फ्रॉम साउंड ऑफ म्यूजिक टू सिंग इन द रेन क्योंकि हर चीज़ को हमने संगीत के दौरान हम साथ साथ देखे। तो मैंने कितनी बार जीने की राह सब प्रसाद जी की फिल्में, विवाह के टाइम विमल रॉय जी की फिल्में बिकॉज वो पोइटिक फिल्म थी वो फील तो उसी किस्म का बहाव फिर होने लगा। और दोस्ती मैं जानती हूँ कि ट्रेलर लॉन्च में यू हैड कम विद योर फ्रेंड यू नो यू हैड गॉट योर फ्रेंड विद यू और दोस्तों के साथ तो कुछ तो मतलब ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि आप ही बहुत बहुत ही ठहराव वाले सुलझे हुए नहीं यू आर स्पाइसी इनसाइड आउट बट आई वांट टू आस्क यू कि आपके दोस्तों के साथ हुआ ऐसा कोई किस्सा जो आपकी पर्सनालिटी से बहुत अलग हो? जो मेरी पर्सनालिटी से अलग आप पूछे तो मैंने प्यार किया का पहला शेड्यूल हमने कंप्लीट किया था ऊटी में जी आउटडोर और पूरी और ला और पूरी हम लोग एक वहाँ पर एक ट्रेन थी छोटी तो ट्रेन के अंदर ख़त्म हुआ तो ख़त्म हुआ उसके बाद पहला आउटडोर बारिश थी तो सलमान भाई और मैं दोनों छत पे बैठे तो भाग्यश नीचे थी तो उस पर जो पूरा सफ़र रहा है ट्रेन का पूरे भीगते मतलब आई हैव नेवर डन समथिंग लाइक दिस और फिर वो ऊपर ले गए मुझे सलमान तो जो भीगते हुए जाना है तो अब मुझे अगर याद करूं तो 50 साल कितने साल हो गए पता नहीं बट वो नीचे भाग्यश्री को भी हम खींच रहे थे वो तो आई नहीं हम दोनों बैठ के जो भीगते हुए गए हैं एट द एंड ऑफ अ शेड्यूल तो अभी हो सकता है एक आधा ऐसा। और ऊंचाई के जरिए तो आप दोस्ती की एक डेफिनेशन दे ही रहे हैं लोगों को लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि ऐसी कोई चीज़ जो आप अपने दोस्त को कहना चाहते हैं, हम सब बिजी रहते हैं हम कहना रह जाता है वो भावना होती है फिर भी मैं चाहती हूँ आप मिडडे के जरिए अपने दोस्त को वो मैसेज दीजिए जो आपने अभी तक नहीं दिया है। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन जो मेरे दिल में है कि कई बार हम लोग बिजी रहते हैं हम लोग
अपनी अपनी गृहस्थियों में अपने अपने लगे रहते। तो कई बार जैसे सुदामा को लगा था कि कृष्ण जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो कभी वो लोग ये ना सोचे कि समय नहीं है, डिस्टर्ब करेंगे। ये आपको को डिस्टर्ब करना भी बहुत आजकल आ जाता है। हाँ। कि क्योंकि वो डिस्टर्ब वाला ऐसा होता है कि किसी का मैसेज फोन आता है और क्या हो रहा है, वो पूछता ही नहीं कोई आजकल, क्योंकि सब लोग इतने और बताओ। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कभी उस वो झिझक ना करूँ, ना मैं ना करूँ, कोई सामने भी ना करे, क्योंकि हक है एक दूसरे को फोन करने का, पूछने का। हाउ ब्यूटिफुली सेड। एंड एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमने जो जहाँ से बात शुरू की थी, जो आपको मैंने कहा कि आप मन की बात बताइए, आप बताइए हमारे ऑडियंसेस को कि वाई शुड दे गो एंड वॉच ऊंचाई, एंड आपकी जिंदगी में आपका पर्सपेक्टिव ऊंचाई यानी कि क्या है आपके लिए। मैं यही चाहूँगा कि आप ऊंचाई सब लोग देखें, क्योंकि एक फैमिली फिल्म है, और भले ही आप हमें लगता है कि ये एल्डर्स की है, बट इस पिक्चर में जितने एल्डर्स हैं सब हंसते हैं, गाते हैं, कलर्स ब्राइट है। मैंने ये कोशिश की कि बिल्कुल इस एज ग्रुप को कोई दया की ज़रूरत नहीं है, ये एज ग्रुप भी ज़िंदा है, और ज़रूर अपने अपने साथ लेके जाएं अपने पेरेंट्स को। बहुत कम फिल्में बनती हैं उनके देखने लायक, दे विल एंजॉय, बहुत दुआएं मिलेगी। और एल्डर्स भी प्लीज़ अपने बच्चों को भी बोलिए जाने को, बिकॉज उन्हें पता चलेगा कि 50 साल की दोस्ती के मायने क्या है सोशल मीडिया के। मतलब क्योंकि एक होता है कि आप एक दूसरे को विश करें, टेक्स्ट करें, पर जो मिलकर के मज़े होते हैं, जो पहले हम लोग पान की दुकान पे मिलते थे, यूं ही बहाने, कोई बहाना ही नहीं था। अब आई डोंट नॉट, लेडीज़ का भी यही होता होगा, हम तो मैन हैं तो हम अपने ऐसे ऐसे मिले हैं। तो जैसे वो चीज़ की झलकियाँ इस पे मिलेंगी, और तो ये मेरे लिए एक संदेश है ऊंचाई में। और जैसे मैंने कहा कि एल्डर्स प्लीज़ जाएं, बिकॉज उनको बहुत इसमें से चीज़ें मिलेंगी, और लेडीज़ के लिए भी, हालांकि प्रोजेक्शन में, बट लेडीज़ नीना जी का जो कैरेक्टर है बहुत एंटरटेनिंग कैरेक्टर है, बट वो भी एक 65 सोचती है कि अभी मुझे भी क्या करना है, मुझे सोचना है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी निकल गई पति के बच्चे के, बट फिर अब मैं क्या, पर हम सोचते हैं अभी ये तो हो गया, अब क्या करें, क्यों अब क्या करना है वो सोचना है। परिणीति का कैरेक्टर अपनी जगह है कि वो एक ट्रैक लीडर की का है, जो एल्डर्स को पसंद है, क्योंकि ट्रैक ले जाओ तो किसी को आलू पसंद सूट नहीं, किसी को चना सूट नहीं, लू ब्रेक का हिसाब नहीं, वो जो अड़ जाए तो अड़ जाए, कम सुनाई देता है। पर फिर उनको उसको ग्रैंड पेरेंट्स के एज के लोग मिलते हैं, तो वो एक बॉन्डिंग, वो एक कनेक्ट होती है। सारिका जी का अपना एक रिडेम्पशन है, जो वो खोज पे क्लाइम पे निकली है, उनकी बहुत अच्छी गृहस्थी, पर फिर भी झूठ बोल के क्यों लग गई ऊपर। तो ये सब अपने अपने एक एक ऊँचाई क्लाइम करें। तो मैंने भी इस फिल्म में एक ऊंचाई की तरफ एक कदम रखी है, कंफर्ट जोन से लेकर के। तो सबको कहीं ना कहीं अपनी अपनी कोई कोई ऊंचाई की झलकियां मिले, तो प्लीज क्लाइम करना। तो हम सब अपनी ऊंचाइयों की ओर देखेंगे, आपकी ऊंचाई देखने के बाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।